हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल का। और क्वेश्चन है आपका ये, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ किसकी, e पावर टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर सीकेंट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। अच्छा, यहाँ पे आपका ये इंटीग्रल क्योंकि e पावर है तो आपका इंटीग्रल किस टाइप का बन सकता है, ये e पावर x इनटू कितना f ऑफ x और प्लस f डैश x और विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इस टाइप का बनता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, e पावर x इनटू कितना f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका tan इनवर्स x है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x के, मतलब आपका डेरिवेटिव मिल रहा है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, लेट आई इक्वल टू आपका इंटीग्रल आया ये, अब मैंने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन, टोटल कितना tan इनवर्स x इक्वल टू किसका आपका t। अब उसके बाद तो x इक्वल टू कितना बन गया आपके पास tan t, इसको करिए डिफरेंशिएट तो आपके पास बना dx इक्वल टू कितना tan का t secant स्क्वायर t और dt। तो therefore हमारा ये इंटीग्रल किसमें आ गया, e रेस्ट पावर कितना है t अपॉन में 1 प्लस x की जगह tan t आएगा तो आपके पास बना 1 प्लस कितना tan स्क्वायर t और ब्रैकेटों के अंदर आपके पास होल स्क्वायर ऑफ किसका है secant इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस x की जगह क्या पुट करना आपने tan स्क्वायर t और होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी और ये आपके पास आ गया और dx की वैल्यू आपके पास आ रही है secant स्क्वायर टी और dt। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी किसके बराबर आ जाएगा secant स्क्वायर टी, तो ये और ये आपका क्या हो गया कैंसल, बाकी क्या बचा उसको लिखते हैं। तो आपके पास बना इंटीग्रेशन ऑफ किसकी e पावर t और आगे होल स्क्वायर ऑफ किसका है secant इनवर्स ऑफ आपके पास ये 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा किसके बराबर secant स्क्वायर t के बराबर और इसका होल स्क्वायर और प्लस cos इनवर्स ऑफ। अच्छा, ये फॉर्मूला बना आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है आपका ये किसका cos 2 थीटा का तो ये बन गया 2t का और इनटू में कितना बचा आपके पास dt। अच्छा, अब यहां पे अगले स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t और अब मैंने क्या करना है ये बन गया आपका secant इनवर्स ऑफ स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आपके पास बना secant t और होल स्क्वायर और प्लस अच्छा cos इनवर्स मैंने क्या करना है इसको क्या करना है कैंसिल आउट करना है तो आपके पास बनेगा 2t और इनटू में कितना dt। अच्छा, ये आपका कैंसिल तभी होगा जब आपका t किसके बीच लाई करेगा इसके प्रिंसिपल कितनी है 0 टू पाई ठीक है तो ये कैंसिल आपका तभी होगा जब t किसके बीच लाई करेगा 0 और पाई के बीच तो मेरे पास इसका आ गया t। अब उसके बाद अगले स्टेप में यहां पे देखते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा ये बन गया e पावर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t और ब्रैकेटों के अंदर अब मैंने क्या करना है इन दोनों को हटाना है तो अब ये तभी हटेगा जब t किसको बिलोंग करना चाहिए आपका ये बनेगा 0 से कहां तक पाई तक सीकेंट है और यहां पे पाई अपॉन 2 को आपको हटाना पड़ेगा ठीक है तो ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा तो t यहाँ पे लाई करेगा तो हमारे पास क्या बन गया ये t स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बन गया आपका कितना 2t और ये बन गया आपका dt। अच्छा, आपका इंटीग्रल ये बन गया आपका फंक्शन और ये बन गया इसका डेरिवेटिव मतलब ये आपका बना इस टाइप का। अब इस टाइप का है तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन कितनी बनेगी e पावर t इनटू कितना f ऑफ x यहाँ पे f ऑफ x कितना है t स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको कितना मिलेगा 2t तो मतलब फंक्शन ये और डेरिवेटिव ये तो आपके पास कितना बन गया ये t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है आंसर हमारा आ चुका है पर मैंने क्या करना री सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो री सब्स्टिट्यूशन करिए e पावर t t की वैल्यू कितनी डाली थी आपने tan इनवर्स x और इनटू में अगला कितना था tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब बात रही हमारी कि यहाँ के बीच आंसर होना चाहिए हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे e पावर tan इनवर्स है tan इनवर्स x है यहाँ पे होल स्क्वायर है यहाँ पे e रेज़ टू tan इनवर्स x है tan इनवर्स x होल स्क्वायर है बट अपॉन में 2 है बाकी आपके ये है तो मुझे इस आंसर को लाना पड़ेगा तो
साइड में क्या कर रहा हूं मैं, इस वैल्यू को, ये वैल्यू हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल बना रहा हूं मैं इसके लिए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन कितना, ये एक्स अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपके पास ये बना वन अपॉन कितना एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट। अब मैंने क्या करना है, आपके आंसर है ये तो आएंगे नहीं, ठीक है। अब इनकी तरफ देखते हैं, तो मेरे पास ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर कितना tan इनवर्स x और इनटू, अगर मैं सीकेंट की टर्म में तोड़ता हूं इसको, तो सीकेंट की टर्म में सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो आपके पास बनेगा ये सीकेंट इनवर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर अपॉन बेस कितना है और होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपके पास बना e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x और इनटू में सीकेंट इनवर्स ऑफ कितना है, वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब और ये होल स्क्वायर, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन जो आपका आ रहा है। अगर मान लीजिए हम कॉसिकेंट में चेंज कर देखना हो तो हमारा क्या बनेगा, ये कॉसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपके पास कॉसिकेंट इनवर्स की टर्म में आंसर आना था वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना एक्स, जो हमारा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर रहा। सो थैंक यू।